अस्सलामुअलैकुम। आज की छोटी सी वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो का मौजू ये है कि हमने जब 42 दिन का होने पे बच्चों को अलहदा कर दिया, उसके बाद क्या करना है। उसके बाद ये करना है कि ये जब हो जाएंगे 3 माह के, 6 या 12 हफ्ते के, तो उस वक़्त हमने ऐसे करना है कि नर मादा अलहदा कर लेने, उस वक़्त ये चेक हो जाते हैं। कोशिश करने से तो शायद अभी भी चेक हो जाए, लेकिन आमतौर पे इस उम्र में चेक नहीं किया जाता और बाज़ का पता भी नहीं चलता। तजर्बाकार हजरात जो है उनको पता चल नहीं जाता। बहर ऐसे है कि हमने इन्हें 3 माह की उम्र का होने पर अलहदा करना है। अच्छा, अब ये है कि जैसे ये हमारे पास सारे खरगोश हैं, ये सारा मीट वाले रैबिट हैं, यानी कि इसमें कोई भी हमारा ऐसा नहीं है कि जो आगे ब्रीडिंग में आए। तो इसमें क्या है कि जैसे ये एक मादा ने 7 बच्चे दिए हैं। अच्छा, अब 7 में से एक ये देखें ये ऊपर है और 6 ये हैं। अब हुआ क्या कि ये इनकी एज उम्र जो है ये अभी 45 दिन के लगभग होगी, मेरे अंदाजे के मुताबिक 42-45 दिन में। अच्छा, अब ये जो है ना ऊपर वाला, ये इन सब के पीछे पड़ा हुआ था। अब इससे कन्फर्म हो गया कि ये मेल है। तो एक तो ये तंग कर रहा था इनको, जिसकी वजह से ये भी 6 डिस्टर्ब थे। दूसरा, हमें कन्फर्म हो गया कि ये मेल है। कल को भी तो हमने मेल अलहदा करने हैं जब ये 3 हो जाएंगे अपना 12 हफ्ते के, यानी 3 माह के। तो इसलिए ये एक तो अभी पकड़ा गया, तो इसलिए ये भी एक तरीका सामने आया है कि बाज़ का छोटे बच्चों में जब वो अलहदा होने करते हैं तो 3 माह होने से पहले ही कुछ जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जो नर होते हैं, तो वो तंग करने लग पड़ते हैं सबको। तो उनकी निशानदेही 3 माह से पहले ही हो जाती है कि ये नर है। तो उसमें ये भी है कि आप अलहदा से उनका पोर्शन रखें, कोई भी पिंजरा रखें, जो भी आप देखें ना इस तरह जो बच्चों को तंग कर रहा है वो समझे कि वो नारी है, क्योंकि अमूमन नार अग्रेसिव होते हैं, मादा नहीं होती। तो आप उन्हें अलहदा कर दें। अब ये है कि जब हमने 3 माह के बाद इनकी ग्रेडिंग करनी है, इनकी छांटी करनी है, तो आप एहतियातन एक बार उनको भी चेक कर लें। कम अज़ कम एक बार लाजमी आपको अपने कैरियर में ये सारे चेक करने चाहिए जो आपने अलहदा इनकेस रखे हों, कि हो सकता है कि उनमें कोई मादा हो। तो फिर आपके इल्म में इजाफा होगा कि क्या मादा भी अग्रेसिव हो सकती है। ये अगला पॉइंट है बाद का, लेकिन अभी जो हमारे मुशाहदे में जो बात आती है वो यही होती है कि हमेशा नर अग्रेसिव होते हैं और वही दूसरे खरगोशों के पीछे पड़ते हैं, आमतौर पर मादा के पीछे पड़ते हैं। तो इसलिए ये एक पॉइंट सामने आया था कि जब हम अलहदा करते हैं बच्चों को, तो कुछ अगर उनमें बच्चे तंग करने वाले हो तो फिर हमने ये नहीं इंतज़ार करना कि जब ये 3 महीने के होंगे तो फिर इनको अलहदा करेंगे। जो पीछे पड़ा हुआ है इसका मतलब वो नर है, उसे अभी से अलहदा कर दें। उससे क्या होगा कि ये जानवर भी जो है ना ये सुकून में आ जाएंगे, और उसने कल को भी अलहदा ही होना था तो आज टाइम से अलहदा हो गया। तो लेकिन जब आपने 3 माह बाद ग्रेडिंग करनी है तो एक बार ये चेक लाजमी करनी है ताकि ये कन्फर्म हो सके वाकई हमारा ये तजर्बा कामयाब है कि नहीं। हमने अभी ये तजर्बा चेक नहीं किया इन्हें कि वाकई ये नारी है या मादा है, लेकिन बड़ी उम्मीद है कि नारी होगा। तो ये एक पॉइंट सामने आया था, तो मैंने कहा ये आपसे शेयर कर दें। फार्म मैनेजमेंट में रोज़मर्रा के मामलों में हम रोज़ नई चीज़ें देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, और अगर हम उन्हें महसूस करके सीखें और उसे अपने फार्म प्रैक्टिस का हिस्सा बना लें तो हम एक अच्छे कामयाब फार्मर बन सकते हैं। लेकिन ये थी हमारी छोटी सी आज की वीडियो। हमें रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।